शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 6 फरवरी को फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि है। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का प्रतिपदा तिथि का उपाय आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, कैसे करना है, किस समय करना है, कब करना है, विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक पहले हम इस उपाय को जानेंगे, उसके बाद आप यह उपाय करिएगा। अगर आप यह उपाय करेंगे तो महादेव की इस फाल्गुन मास की जो महत्वता है, हिंदू धर्म में जो महत्वता बताई गई है, उसकी पूरी कृपा आपको महादेव की प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का 6 फरवरी फाल्गुन मास प्रतिपदा तिथि का यह उपाय। मिश्रा जी की कथा अभी भी चल रही है, मिश्रा जी की कथा को श्रवण करने के बाद आपको यह उपाय बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि 11 कोड़ियाँ आपको लेनी है, साथ ही में एक धतूरा आप ले लीजिएगा। एक धतूरा और 11 कोड़ियाँ, एक शुद्ध लोटा जल लेकर किसी भी नज़दीकी आपको शिव मंदिर में चले जाना है। अब यह 11 कोड़ियाँ आपको कहाँ अर्पित करनी है, शिवलिंग के किस स्थान पर आपको अर्पित करनी है, साथ ही में जो धतूरा आप लेकर आए हैं उसे आप कहाँ अर्पित करेंगे, तो आइए जानते हैं विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक आपको यह उपाय कैसे करना है। सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि जो 11 कोड़ियाँ आप अपने साथ लेकर आए हैं उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो आप धतूरा लेकर आए हैं उसे शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद शुद्ध लोटा जल लेकर विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा। इस मास में विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से जिस प्रकार से आपको यह उपाय बताया गया है, कुछ इसी प्रकार से अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह पूर्णतः रूप से पूर्ण होगी। साथ ही में समस्याओं का दौर समाप्त होगा, महादेव की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। तो यह छोटा सा उपाय इस फाल्गुन मास की महत्वता को समझते हुए आपको करना है। प्रतिपदा तिथि का यह छोटा सा उपाय एक बार अवश्य करके देखिएगा। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। 11 कोड़ियाँ और एक धतूरा लेकर आपको यह उपाय करना है। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।